नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, नवरात्रों में अगर आप वही पूरी सब्जी खाकर बोर हो गए हैं तो आज हम थोड़ा चेंज खाना बनाएंगे, तो व्रत के कढ़ी चावल बनाएंगे। तो व्रत में खाने जाने वाले सामान से ही हम ये कढ़ी चावल बनाएंगे, तो आइए बनाते हैं इसे। तो देखिए, कढ़ी के लिए मैंने यहाँ एक छोटी कटोरी दही लिया है और इसमें मैंने 3 से 4 चम्मच ये कूटू का आटा लिया है, जिसे छान कर यूज़ किया है मैंने। और इसमें हम थोड़ा सा सेंधा नमक डालेंगे और काली मिर्च डालेंगे, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो एक कटोरी दही में हम लगभग 2 से 3 कटोरी पानी डालेंगे, ये आप पर है कि आप कितना थिक कढ़ी खाना चाहते हैं या पतली खाना चाहते हैं। तो मैंने इसमें 2 कटोरी पानी डाला है और इसे अच्छे से मिलाकर इसका एक बैटर बना लिया है। तो आइए अब इसका तड़का लगाते हैं। तो देखिए, एक पैन में मैंने घी गरम किया 2 चम्मच। घी गरम होने पर इसमें हम हींग डालेंगे और जीरे का तड़का लगाएंगे, और इसमें हम डालेंगे ये 1 चम्मच हरी मिर्च बिल्कुल बारीक कटी हुई। तो इसे बहुत ज़्यादा नहीं गलाएंगे हरी मिर्च को, और उसके बाद हमने जो कढ़ी का बैटर तैयार किया था इसमें हम वो डाल देंगे। तो इसे एक बॉईल आने देंगे हम, और आपको कितनी गाढ़ी या पतली खानी है आप वो एडजस्ट कर लें यहाँ पानी डालकर। और इसे अब हम ढककर कम से कम 10 मिनट तक कुक करेंगे, बिल्कुल कम गैस पर छोड़ देंगे। तो आइए तब तक हम चावल बनाते हैं। तो एक पैन में मैंने देखिए 2 चम्मच घी लिया है। अब घी को हम अच्छे से गर्म होने देंगे, इसमें हम जीरा डालेंगे और थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे इसमें बारीक काट कर। तो हरी मिर्च को यहाँ भी हमें ज़्यादा नहीं गलाना है, बहुत हल्का सा कुक करेंगे। और देखिए, मैंने ये समाक के चावल लिए हैं, ये 1 कटोरी थे जिन्हें मैंने धोकर भिगो दिया था, तो थोड़े फूल कर ज़्यादा हो गए हैं, पर आप जिस कटोरी से चावल ले उसी से हमें पानी लेना है। तो इन्हें हम घी में डालकर इस तरह से देखिए 1-2 मिनट के लिए चला लेंगे, ताकि घी में अच्छे से थोड़ा कुक हो जाए। इसमें हम सेंधा नमक डालेंगे और काली मिर्च डालेंगे, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें, और इन्हें अच्छे से हम मिला लेंगे ताकि घी में थोड़ा भुन जाए। और जिस कटोरी से हमने चावल लिए थे उसी कटोरी से हम 3 कटोरी पानी लेंगे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है पानी इसके लिए, इससे ना ज़्यादा थिक बनेंगे ना पतले होंगे, बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे चावल खिले खिले। तो आप देखिए, 1 बॉईल आने पर इसे हम ढक देंगे और कम गैस पर 5 मिनट के लिए सिर्फ कुक करेंगे। आप देखेंगे 5 से 7 मिनट में चावल बनकर रेडी हो जाएंगे। तो देखिए कितने बढ़िया खिले खिले ये चावल बने हैं, थोड़ा ठंडे होने पर ये और अच्छे खिल जाएंगे। और कढ़ी देखिए लगभग 10 मिनट हो गए, ये बहुत अच्छे से कुक हो गई है और थिकनेस भी इसकी बिल्कुल परफेक्ट है। तो आइए इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। तो देखिए कितने बढ़िया ये कढ़ी चावल व्रत के लिए बनके तैयार हैं। तो आप इसे बनाइए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आसानी से ये बन जाता है, व्रत में आपका थोड़ा सा खाना चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये व्रत के कढ़ी चावल बनाइए। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।